सरकार in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, ab ki baar Trump sarkar. Is it not a strategic mistake of a prime minister of a country? अब क्या हुआ, चुनाव हो गया, वहां सरकार पलटी खा गए, अब गए मोदी साहब अमेरिका में, हाल में बेहाल बेहाल, व्हाइट हाउस में कोई पूछने वाला नहीं, एयरपोर्ट में कोई प्रॉपर रिसीविंग नहीं, क्या हुआ देश का इज्जत? ये तरीका है अमेरिका का? अमेरिका देश का चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है? क्यों जाना पड़ा प्रधानमंत्री को, क्यों कहना पड़ा, क्या मजबूरी थी? यह है भाजपा का नीति और इसके लिए हमको जय जयकार करना चाहिए। ऐसे हजारों चीजें हैं, हजारों, जो हम इस देश के सामने रखेंगे, हजारों, एक नहीं दो नहीं। सबसे बड़ी बात, बड़ी दुख की बात, बहुत दुख की बात, जिस प्रकार का लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते, किसी का कोई मान्यता नहीं है इस देश में, कितना गंदे गंदे बातें करते लोग, जिसको चाहे जो चाहे कह दो, जो मन में आए कह दो, गालियां दे दो, मैं कल कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इस देश के युवा से खास तौर पर, ये कल का इंडिया आपका इंडिया है। मेरे युवा मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुद्धिजीवियों, दया करके सोचिए क्या हो रहा है हमारे बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में, नौजवान बच्चियों को, नौजवान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? इतना बड़ा हेट्रेड, ये कहां जाएगा हिंदुस्तान? तेलंगाना 7 साल पहले जहां किसानों का आत्महत्या होता था, माइग्रेशन होता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, सिंचाई के लिए पानी नहीं थी, बहुत बेहाल थी, 7 साल के कड़ी मेहनत के बाद एक अच्छा संस्कार पूर्वक गंगा जमुना तहजीब को अमलावरी करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है तेलंगाना में? हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, हम धनवान राज्य बन गए, हमारे पास जीरो के नीचे है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे, इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो रही है, आईटी की बढ़ोतरी हो रही है, रियल एस्टेट बढ़ रही है, मौके मिल रहे हैं बच्चों को। ये क्यों मिल रहे हैं? हमारे मंत्रिमंडल, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे अफसर सब मिलकर एक अच्छा खासा माहौल यहां पे बनाए, ए प्रॉपर इको हैज बीन बिल्ट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। वंस दिस इको इज रुइंड विद अ ब्लडी अनवांटेड रिलीजियस सिली फाइट, इफ यू लूज द इको, इको ऑफ हैदराबाद, if you are going to lose the echo of telangana,
कौन आएगा यहां निवेश करने के लिए? हु विल इन्वेस्ट? हु विल कम? प्लीज थिंक. इट इज टाइम फॉर द यूथ टू थिंक. इस देश के युवा का ये फर्ज है, ये भविष्य आपका है, देश आपका है. हमारे आज अफगानिस्तान में जाके किसी को कहो इंडस्ट्री लगाओ, कोई लगाएगा? कौन जाएगा अफगानिस्तान? उल्टा पैसा दो तभी नहीं जाएगा. क्यों? जहां शांति रहता है, जहां अच्छा माहौल रहता है, जहां एक दूसरे को प्यार करते हैं, जहां प्यार मोहब्बत वाला एक वातावरण बना रहता है, वहां जाता है. आप हर जगह मजहब के नाम, धर्म के नाम अंगार लगा दे रहे, ये क्या तरीका है? कौन नहीं मानता भाई भगवान को इस देश में? कितने लाखों मंदिर है गांव में, गांव में लाखों मंदिर है हमारे पास. हर दिन मंदिर बनते रहता. कौन पूजा नहीं करता भगवान का? हर कोई करता. लेकिन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा, ये हेट्रेड, क्या करना है आप? इस देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं? आखिर ये प्रवृत्ति यहां तक जा रहा है. खुलेआम राज्यसभा में मैंने सुना माननीय प्रधानमंत्री को कहते हुए कि पूरे कांग्रेसी अर्बन नक्सलेट बन गए. अरे बाप रे,